आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गरीब आदमी का ईंधन कहे जाने वाले मिट्टी तेल या केरोसिन के भाव बड़े शहरों में दो गुने से अधिक बढ़ चुके हैं, जबकि इसके इस्तेमाल में कमी आ रही है। मिट्टी के तेल के भाव कोलकाता और मुंबई में अप्रैल 2020 के मुकाबले इस साल फरवरी में 104 से 112 फीसदी तक बढ़ गए हैं। देश में अप्रैल 2020 के आसपास ही कोविड-19 महामारी की शुरुआत भी हुई थी। चेन्नई में इस दौरान कीमत में 10.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ऐतिहासिक रूप से चेन्नई ने ईंधन के लिए अधिक सरकारी सब्सिडी दी है। कुछ वर्ष पहले के मुकाबले कीमत वृद्धि और भी अधिक है। कीमत वृद्धि का असर पहले जितना नहीं रहा, क्योंकि अधिकांश आबादी ने रसोई गैस जैसे अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन का विकल्प चुन लिया है। सरकार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जा रही केरोसिन की घरेलू खपत 2014-15 के 69 लाख टन से घटकर 2020-21 में 16 लाख टन रह गई है। इसके अलावा केरोसिन के उत्पादन और खपत में लगातार अंतर बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केरोसिन की समग्र खपत में घरेलू खपत की हिस्सेदारी 90% है। केरोसिन की समग्र खपत में औद्योगिक और अन्य इस्तेमाल को भी शामिल किया जाता है। अप्रैल 2021 और इस साल जनवरी के बीच केरोसिन की कुल खपत 13 लाख टन थी, जबकि उत्पादन 16 लाख टन था। हाल ही के वर्षों में उत्पादन में कमी आ रही है, खपत में भी उल्लेखनीय स्तर की कमी आई है। इसका मतलब यह नहीं कि केरोसिन का इस्तेमाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। हालांकि सब्सिडी के जरिए बजट सहायता में कमी आई है। 2019 और 21 के बीच समाज के कुछ वर्गों में केरोसिन का इस्तेमाल बढ़ा है। आदिवासी परिवारों में प्रकाश के लिए केरोसिन पर निर्भरता 11% से बढ़कर 21% हो गई है, और ग्रिड पहुंच के साथ विद्युतीकृत आदिवासी परिवारों में प्रकाश के प्राथमिक स्रोत के तौर पर ग्रिड का इस्तेमाल 87% से कम होकर 74% हो गए, जबकि बिजली की पहुंच हासिल करने वाले समग्र आदिवासी परिवारों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिजली के इस्तेमाल में गिरावट के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों में से एक बिजली आपूर्ति की खराब हालत बताई जा रही है। रसोई गैस के इस्तेमाल में कमी के लिए इसके दाम को भी अहम कारण माना गया है। असंतोष के लिए कीमत अभी भी एक प्रमुख कारण है, जिसके बाद गैस भरवाने के लिए तय की जाने वाली दूरी की बात आती है। रसोई गैस लेने में रुचि के बावजूद परिवारों में लगातार इसके इस्तेमाल में बड़ी बाधाओं में कनेक्शन लेने की लागत और LPG भरवाने पर आने वाला मासिक खर्च शामिल है। कई राज्य पहले ही खुद को केरोसिन के इस्तेमाल से मुक्त घोषित कर चुके हैं। सरकार की भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सांख्यिकी की 2020-21 रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 के दौरान आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, हरियाणा, लद्दाख, पुडुचेरी और पंजाब केरोसिन मुक्त हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।